माननीय वित्त मंत्री जी ने आज दिनांक 29 फरवरी को लोकसभा में भारत का वित्त वर्ष 16-17 का बजट प्रस्तुत किया। काफी प्रभावी कदम कुछ विशेष दिशा में उन्होंने उठाए हैं, विशेषकर ग्रामीण व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए, कृषि के विकास को बढ़ाने के लिए और तथा इनकम टैक्स में जो लिटिगेशन होता है, जो कानूनी दांव पेच होते हैं उसको कम करने के लिए तथा लोगों को इनकम टैक्स में एक विशेष रूप से अभी सहूलियत ये दी हुई है कि जो ब्लैक मनी पुरानी है किसी के पास में तो 45% का उस पर टैक्स अदा करके वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर सकता है। यह एक उपयुक्त कदम होगा, ये जितने भी कदम उठाए हैं काफी उपयुक्त है। एक विशेष बात इस बजट में रही कि वित्त मंत्री जी ने बजट की घोषणा के साथ यह बताया है कि जो वित्तीय घाटा रहेगा वो 3.5% जीडीपी का वहां तक सीमित रहेगा, जो अभी 3.9 था। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरी व्यवस्था में लाने की कोशिश की है। इसका परिणाम जो सामान्य जनता के लिए ये होगा कि आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि महंगाई आक्रामक रूप से नहीं बढ़ेगी, कीमतें संतुलित और कंट्रोल में रहेगी तथा व्यापारियों को और किसानों को भी उचित अपने दाम मिलते रहेंगे। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की और दूसरे बाजार व्यवस्था की। इसको चलायमान करने की, इसको गति देने की वित्त मंत्री जी ने जरूर कोशिश की गई है। इसमें विशेष उन्होंने ध्यान ये रखा है कि जो टैक्स से रिलेटेड है, जो कानून जिसमें पेचीदगियां हैं तथा जो उसको सरल करने की कोशिश की है, यह दिशा निर्देश दिए गए हैं इनकम टैक्स अधिकारियों को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को जनरली, कि वो एक फ्रेंडली अप्रोच रखे उद्योगपतियों के साथ, कंपनियों के साथ में। मेरा ऐसा मानना ये जो सकारात्मक कदम उठाए गए हैं जिसमें करों को, जिसमें ब्लैक मनी को कन्वर्शन का एक ऑप्शन जो दिया गया है तथा जो पुराने लिटिगेशन को सेटल करने का जो एक प्रावधान किया गया है, उसमें जो प्रधानमंत्री की मूर्त इच्छा थी कि बिजनेस इजी हो करने में, व्यवसाय इजी हो करने में, उसमें निश्चित फायदा मिलेगा। और व्यवसाय यदि बढ़ता है तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो हम जो चाहते हैं देश का पूरा निर्माण होगा। बजट ठीक है, जो इसमें मॉलों के जैसा शॉप को आप संडे भी ओपन रख सकते हैं, मतलब सातों दिन शॉप चालू रहेगा, ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। और बाकी तो ओवरऑल सब वही चीजें है, रेगुलर लग्जरी चीजें महंगी होगी, घरेलू चीजें महंगी हो रही है। दुकानदारों के लिए या बिजनेसमैन के लिए कोई ऐसा बजट में प्रावधान नहीं है जिससे हमको बहुत खुशी हो या फायदा हुआ हो। वित्त मंत्री ने जो यूनियन बजट पेश किया वो बहुत ही बैलेंस्ड बजट था। इस ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन में जहाँ ऑल ओवर ग्लोब काफ़ी फाइनेंशियल्स वो हैं, उस समय ये बजट एक बैलेंस्ड बजट के उसमें है, क्योंकि इसमें करीब करीब इंडिया के हर सेगमेंट को फोकस किया गया है। उसमें भी स्पेसिफिकली जो बहुत डिमांडिंग और बहुत चैलेंजिंग सेक्टर्स थे, जैसे कि पिछले कुछ समय में हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी अपोजिशन की तरफ से भी, और कि इंडिया में रूरल पॉपुलेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फार्मर्स की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, एग्रीकल्चर में कंटिन्यूसली डाउनफॉल है, करंट गवर्नमेंट बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो ये बजट उस चीज़ को काफ़ी कंसिडर करते हुए है, क्योंकि इसमें रूरल इंडिया को फोकस बहुत अच्छे से किया गया है, रूरल इंडिया के हर सेगमेंट की तरफ ध्यान दिया गया है। से उम्मीद तो थी, उस हिसाब से बजट रहा भी है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा उन्होंने करके रखा है। जब सातों दिन खुल सकते हैं, जैसे मॉल वगैरह खुले रहते हैं, उस हिसाब से हम लोग भी दुकानें खोल सकते हैं, और किसानों के लिए भी काफ़ी उन्होंने कर रखा है, प्रावधान किए हैं इस बार। बजट एक्चुअली अभी मैंने बजट का देखा तो उसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कुछ इतनी राहत नहीं है, और अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें मीडियम क्लास के लिए भी कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिली है, क्योंकि इसमें स्लैब में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि जो HRA है उसको बढ़ा दिया है, 24,000 से 60,000 कर दिया है, एंड सर्विस टैक्स बढ़ गया है, तो ये दूसरा बर्डन है लोगों के ऊपर। एंड
हाँ ये कह सकते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो एक अच्छा और स्वस्थ बजट है जो किसानों, गरीबों को और जो उद्यमी हैं, जो छोटे बड़े छोटे उद्यमी, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है आज का इस बार का बजट।